क्या आपको भी ऐसे दिक्कत आ रही है कि आपके आपके प्ले स्टोर में कोई ऐप डाउनलोड करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि दिस ऐप इज़ नो लॉन्गर कंपेटेबल विथ योर डिवाइस, कॉन्टैक्ट द डेवलपर्स एंड मोर इन्फो। कौन से आता है, डेवलपर तो कॉन्टैक्ट करेंगे नहीं कि मेरा फोन में नहीं चल रहा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि आप दिखा दो कि ये प्रॉब्लम है जिसके साथ लोग, कहीं मैंने वीडियो देखी कई जगह, तो ये कह रहे हैं कि आप जाकर प्ले स्टोर में डेटा क्लियर करिए, कैश क्लियर करिए या फिर रिस्टार्ट करिए फ़ोन को। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सब तरीकों से करने से आपका मोबाइल का ऐप डाउनलोड नहीं होगा, कुछ होगा नहीं। और पहली बात, आपको तो ऐसी ऐप मिलेगा भी नहीं। आप सर्च करेंगे कोई सा भी ऐप जो आपके मोबाइल में ऐसा ऑप्शन आ रहा है, तो आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च करेंगे तो आपको ऐप दिखेगा भी नहीं, कहीं मिलेगा भी नहीं। लेकिन मैं वो कैसे दिख रहा है और कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो है दोस्तों, मैं आपका ट्रबल शूटर। तो ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए और नए इंटरेस्ट एंड ट्रिक्स जानने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको बजा दीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हर दिन लाता रहता हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो इसके रिलेटेड या कोई सी अलग प्रॉब्लम आ रही हो मोबाइल टेक्निकल रिलेटेड, तो आप में कॉमेंट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन हो तो मैं आपको बता दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो जैसे कि आपको बता दूं, ये सामने जो ऐप दिख रहा है NSDL GP एक बैंकिंग ऐप है जो अब मेरे को शो नहीं कर रहा प्ले स्टोर पे, मेरे को दूसरे लिंक से आना पड़ रहा है। जैसे आपको दिखा दूं, मान लीजिए मैं प्ले स्टोर पे जाता हूं, फिर वहां पे NSDL GP सर्च करता हूं, तो ये ऐप मेरे को कहीं नहीं दिख रहा। अगर आप सोचेंगे ये वो ऐप है, तो ये वो नहीं है, NSDL GP नाम से वो ऐप है। तो वो ऐप आपको कहीं दिखेगा नहीं, कहीं पर ढूंढ लीजिए, कहीं तक नहीं दिखेगा, क्योंकि जो आपके मोबाइल के कंपेटेबल नहीं होते ऐप वो आपको शो करते ही नहीं है। कि आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो शो क्यों होगा, तो ये दिक्कत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको देखना चाहते हैं वो कंपेटेबल है कि नहीं, तो एक काम करिए, जो आप दूसरा मोबाइल लीजिए दूसरे मोबाइल में जिसके साथ कंपेटेबल है वहाँ पर सर्च करिए। और सर्च करने के बाद जैसे कि आप दिखाओ, तो यहाँ पर आपको शेयर करने का ऑप्शन आता है, तो शेयर करेंगे तो वो लिंक मिलेगा, तो आपको लिंक जिस मोबाइल में डाउनलोड करना है उसको मोबाइल को शेयर कर दीजिए। जैसे मैंने किसी दूसरे ऐप से लिंक ले लिया किसी और मोबाइल से, तो मेरे को लिंक मिला था, तो इन लिंक के ऊपर मैं जैसे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऐप खुल जाता है। और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे मोबाइल में इंस्टॉल भी है और यहाँ पे आप भी बोल रहा दिस ऐप इज़ नो लॉन्गर कंपेटेबल, जबकि मैं नहीं बोल रहा तभी मोबाइल में इंस्टॉल है। तो कैसे इंस्टॉल किया था मैंने, तो यह आपको बताना है। तो आपको ये पता चल गया कैसे ढूंढना है आपको, तो ये क्यों हो रहा है ये एक्चुअली देखते हैं। दरअसल ये जब मैं फ़ोन में इंस्टॉल किया था और अभी भी इंस्टॉल है, लेकिन अब दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि सबसे पहले जब फ़ोन सही था, क्योंकि जब आपको इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रहा था जो आपको नोटिस अभी शो हो रहा है, तब क्या प्रॉब्लम थी और अब क्या प्रॉब्लम हो गई है। देखिए दरअसल बात यह है कि जब इससे पहले जब इनके डेवलपर ने बनाया था, इनके डेवलपर ने जब ये ऐप बनाया था तब तो ठीक था, लेकिन उसके बाद वो आप जानते हो कोई भी चीज़ अपग्रेड होती जाती है। तो जब ये अपग्रेड हुआ तो देख सकते हैं मेरा मोबाइल जो है कहाँ गया, ये था मेरा मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन कौन सा, 7.0 आप देख सकते हैं नोगट है। लेकिन जब इन्होंने बनाया तो नया ऐप, इन्होंने पुराने जो नोगट हैं नोगट या 8 से नीचे के जितने एंड्रॉयड वर्जन है उनके लिए इन्होंने सपोर्ट ख़त्म कर दिया। लेकिन हमें क्या कर सकते हैं, हमें तो जाना है, हम अभी पुराना मोबाइल है हमारे पास, अभी पुराना मोबाइल अभी नया अपडेट कर नहीं सकते जिसमें एंड्रॉयड वर्जन हो। तो ये दूसरा तरीका क्या, आप वहाँ पर कस्टम रूम डालिए तो और उसके बाद करिए। लेकिन कस्टम रूम डालना सबके बस की बात नहीं है, बहुत झाड़ पड़ जाता है ज़्यादा और रूट करने की। तो ऐसे अगर आप नहीं डालना तो उसके लिए ये दूसरा मेथड बताता हूँ जो आपके लिए बहुत सही मेथड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जाइए यहाँ पे, देख आपको दिखा दूँ, जैसे ये ऐप था NSDL GP नाम से, मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा दूँ कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने इसको इंस्टॉल किया। अब यहाँ पे देखिए जो इंस्टॉल था, मैं इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है जो मेरे में पहले इंस्टॉल था। तो आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है इसको ऐप को। तो आप इसका नाम याद रख लीजिए NSDL GP, आपको कोई सा भी जो ऐप आपको डाउनलोड करना है उसका नाम आपको याद हो गई। तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है किस गूगल पर जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, मैं डेप पे चले जा रहा हूँ, मतलब किसी भी सर्च कर लीजिए आप ऑनलाइन। ऑनलाइन सर्च क्या करना है मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ NSDL GP APK कही है, कुछ APK एंड जिफी APK कर लिए, और यहाँ पे जाइए इस पे जाना, वरना आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, अदरवाइज आपको सोन ये नहीं कर रहा तो आप क्या करिए, आपको यहाँ पे इतने सारे ऐप दिख रहे हैं, ये इन्हीं के वर्जन है कि सबसे पहले कौन सा है, वर्जन कौन सा है, आपको सामने सब दिख रहा होगा, इतने सारे वर्जन है। सबसे पहले इन्होंने कौन सा वर्जन निकाला, बहुत पहले निकाला था वो 1.01, इससे पहले ही बहुत होंगे 1.01, 1.01 24 25 25 ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है। और साथ में आपको एक और कुछ दिख रही होगी, एंड्रॉयड 4.4 प्लस, एंड्रॉयड 5.1 प्लस, एंड्रॉयड 5.1 प्लस, 5.1 प्लस। यहाँ से दिक्कत कहाँ से हुई है, दिक्कत हुई है आपके जब मोबाइल आपको दिखाया, जैसे मैं 7.0 मतलब नोगट एंड्रॉयड वर्जन 7 है,
तो आपको इसके ऊपर के ऐप डाउन करना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको उसके नीचे ही करने पड़ेंगे। जैसे देखते हैं 5.1 प्लस लॉलीपॉप पे था, उसके बाद आपको कर दिया 8.0। तो यहाँ के ऐप से आपको मॉल में इंस्टॉल होना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इससे एंड्रॉइड 8 वर्जन से इसको ऊपर के चाहिए और एंड्रॉइड 8 चाहिए, या आपका 7 है, तो आपको कौन सा डाउनलोड करना पड़ेगा? ये आपको करना पड़ेगा, ये 1.0.37 ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये ऐप है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो चलिए इसे मैं डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैं डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ तो देख सकते हैं ये होता है नहीं होता है। तो देख सकते हैं ये लोड हो रहा है, लेकिन लोड हो रहा है, पेज लोड हो रहा है, लेकिन 1 घंटे से लोड ही हो रहा है, ये लोड होता रहेगा। दरअसल बात यह है कि मेरा नेटवर्क इशू है, मेरे पास डेटा ख़त्म हो गया है और वी का नेटवर्क है, तो इस वजह से ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा। तो डाउनलोड हो जाएगा तो इसका मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैं दूसरे मोबाइल डाउनलोड कर लिया, उससे मैंने फॉरवर्ड कर लिया, शेयर कर लिया अपने इस मॉल पे, देख सकते हैं मैं व्हाट्सएप में दिखा दूँ। जैसे कि मैं मॉल से मैं डाउनलोड करके दूसरे मॉल से डाउनलोड करके इसमें व्हाट्सएप किया है, शेयर किया है, तो मैं इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। अदरवाइज आप पुराना नया वर्जन डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको पैकेज एरर दिखा देगा। तो आप यहाँ से आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो ये 5-10 सेकंड लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप को अलाउ करने को कह रहा, तो मैं अलाउ कर देता हूँ इसे। तो देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया है, तो मैं इसे डन कर देता हूँ। लेकिन दिक्कत कैच क्या है इसमें, कैच क्या है कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप पुराने ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया हुआ, तो आपका वो चलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप कई ऐप होते हैं जिसमें सपोर्ट ख़त्म करने के बावजूद कि आप मॉल, लेकिन अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं वो चल जाता है। तो इसमें जैसे बैंकिंग ऐप है तो बैंकिंग ऐप में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैं वो ऐप दिखा दूँ आपको, तो वहाँ पर दिक्कत आ रही है, वहाँ पर ये एरर शो कर देगा और मना कर देगा। आपको दिखाने को दिखा दूँ, अपडेट ऐप करने को बोल रहा है, अपडेट ऐड करने पर आप यहाँ पर वापस मना कर देगा कि अपडेट नहीं हो पाएगा, इसे ओपन करेंगे। तो दिक्कत यह है कि ऐसा भी हो जाता है, लेकिन जहाँ तक आपके कंडीशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आप ट्राई करिएगा आपके पास प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही, तो देखिए शायद इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर हो जाए तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में यही था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।